तो परसों मैंने वीडियो के अंदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D जैसा एक गेम के बारे में बताया था जिसका नाम है इंडियन कार बाइक ड्राइविंग 3D। तो कल के दिन इस गेम के अंदर एक अपडेट आया था जिसके अंदर आप ऊपर वाले रूम में जाते हो ना तो आपको एक टीवी मिलेगा जिसे आप लिटरली में ऑन ऑफ कर सकते हो और इसके अंदर एक कार्टून शो भी चलता है जिसे आप देख सकते हो। एक पूरा एपिसोड इसके अंदर एड करा गया है। और इस गेम के अंदर काफी सारे न्यू चीट कोड भी ऐड हो चुके हैं। चलो मैं आपको सारे के सारे चीट कोड्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले मोबाइल ओपन करना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, फिर डायल बटन्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको डायल करना है 1000 और कॉल करना है। आपके सामने आ जाएगी RC390। उसके बाद आपको 1001 डायल करना है, आपके सामने RC200 आएगी और ये सारी बाइक्स अभी मैं आपको बताने वाला भी हूँ। उसके बाद आपको 1002 डायल करना है, आपके पास RC125 आने वाली है। 1003 डायल करने पर ड्यूक 390 आने वाली है। 1004 डायल करने पर फिर से ड्यूक 250 आ जाएगी। उसके बाद 1005 डायल करोगे तो फिर से आपके सामने ड्यूक 200 आने वाली है। तो अभी तक सारी सुपर बाइक्स आ रही है। उसके बाद 1000 डायल करोगे तो आपके सामने S1000 RR आएगी। उसके बाद 1007 डायल करोगे तो वही निंजा H2R आने वाली है। 1008 डायल करने पर सुपर ड्यूक आएगी, भाई मजा ही आ गया। उसके बाद 1009 डायल करोगे तो पल्सर आने वाली है और 1010 डायल करोगे तो फिर से पल्सर RS200 आने वाली है। उसके बाद 1011 डायल करोगे तो बुलेट आने वाली है। 1012 डायल करोगे तो स्प्लेंडर आने वाली, फाइनली स्प्लेंडर आ गई। 1013 डायल करोगे तो भाई हायाबुसा आने वाली है और गाइस 1014 डायल करोगे तो भाई एक क्लासिक स्कूटर आने वाला है। उसके बाद 1015 डायल करोगे तो ये लास्ट व्हीकल है R15। चलो गाइस अब मैं आपको सारी व्हीकल्स दिखा देता हूं। तो यहां पर R15 है, स्कूटर है भाई, बहुत सारी व्हीकल्स हैं, स्प्लेंडर भी है, बुलेट भी है, बाकी आप सुपर बाइक्स भी देख सकते हो भाई। सारी की सारी आ चुकी है यार, सारी की सारी। यहाँ पर अपडेट के बाद कुछ और भी ऐड हो जाएंगी। चलो यहाँ पर एक बार स्प्लेंडर चलाकर देखते हैं, उसके बाद मैं आपको कार्स के भी चीट कोड बताऊंगा। इसके अंदर सारी कार्स बता दूंगा जितनी भी इस गेम के अंदर अवेलेबल है। अभी ये क्या हुआ? अभी यार इसके अंदर भी ग्लिच वर्क करते हैं यार। तो गाइस अगर आप ये गेम खेल रहे हो ना तो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो मिथ ग्लिच वगैरह जो। अरे कहाँ, ओ भाई पहले में ही ग्लिच हो गया यार। चलो गाइस अब सारी की सारी कार्स के चीट कोड भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर से कॉन्टैक्ट डायल में जाना है और यहाँ पर इस बार आपको डायल करना है 2000, फिर आपको 2000 वाली सीरीज चलानी है पूरी। तो सबसे पहले यहाँ पर होंडा सिटी आएगी, उसके बाद आपको 2001 डायल करना है तो 1020 आने वाली है। उसके बाद 2002 डायल करेंगे कंपास कार आएगी, इसका यूज भी बाद में पता करेंगे। 2003 डायल करेंगे तो सेल्टोस कार आने वाली है। 2004 डायल करेंगे तो स्कॉर्पियो S11 आने वाली है और ये काफी सही लग रही ग्राफिक के मामले में। उसके बाद 2005 डायल करोगे भाई थार आने वाली है और 2006 डायल करोगे तो मारुति 800 आएगी। उसके बाद 2007 डायल करोगे तो भाई एल्टो कार आएगी पुरानी वाली। उसके बाद 2008 डायल करोगे तो रेंज रोवर आने वाली है। उसके बाद 2009 डायल करोगे तो डस्टर आने वाली है। उसके बाद अगर आप 2010 डायल करते हो तो यहाँ पर इग्नाइस आने वाली है। उसके बाद 2011 डायल करते हो तो भाई ओमनी आएगी। उसके बाद 2012 डायल करते हो तो यहाँ पर स्विफ्ट आने वाली है। उसके बाद 2013 डायल करते हो तो भाई ये देखो टाटा नैनो आने वाली है यार। 2014 डायल करने पर सफारी आने वाली है। उसके बाद अगर आप 2015 डायल करते हो तो फॉर्च्यूनर आएगी। 2016 डायल करते हो तो फॉर्च्यूनर लेजेंडर आने वाली है। उसके बाद लास्ट है 2017 तो इससे भाई इनोवा आएगी। अब सारी कार्स मैं आपको दिखा देता हूँ और रियली में गाइस मानना पड़ेगा इस गेम के अंदर कार की ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा तगड़ी रखी गई है एकदम डिटेलिंग के साथ में। नैनो थोड़ी सी अलग लग रही है नॉर्मल कार के मुकाबले और ओमनी वाली जो भाई वैन है वो भी यहाँ पर ऐड हो गई है यार, ये काफी सही है। तो कार्स की बात करें तो टोटल इसके अंदर 18 कार्स है और बाइक्स की बात करें तो टोटल यहाँ पर 16 बाइक्स को ऐड करा है। बाकी कार्स भी आप देख सकते हो मारुति 800 थार वगैरह भाई सारी की सारी क्लासिक एंड स्पोर्ट्स कार को ऐड कर दिया इस गेम के अंदर। और भी काफी सारी व्हीकल्स वगैरह ऐड होने वाली है नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तो यार काफी अच्छा काम किया है भाई बंदे ने। अब गाइस इस गेम के अंदर अगर आपको कपड़े चेंज करने हैं तो वो भी आपको चीट कोड से ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 6000 डायल करना है। तो यहाँ पर आपके सामने शर्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा तो आपको टोटल यहाँ पर 4 शर्ट देखने को मिलती है, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो। और लोअर को चेंज करने के लिए आपको डायल करना है 6001। तो यहाँ पर आपके सामने पैंट्स का भी ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पर भी आपको 4 देखने को मिलती है पैंट्स वगैरह। तो वैसे तो ये शॉर्ट्स हैं तो आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। और अगर आपको बैकपैक चेंज करना है तो आपको 6002 डायल करना है, आपके सामने दो बैकपैक आ जाएंगे। तो इसमें से जो पहला वाला बैकपैक है ना लेदर वाला वो मुझे काफी सही लगा यार,
और आप अपने कैरेक्टर का मास्क भी चेंज कर सकते हो। आपको 6003 डायल करना है भाई, आपके पास तीन मास्क के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यार ये भी काफी सही चीज है और ये वाला काफी बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा अगर आप 2222 डायल करते हो तो यहाँ पर आप है ना कस्टमाइज कर सकते हो व्हीकल्स के कलर को। तो आपके पास में एक व्हीकल होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन है, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो ओके गाइज, अब बात करते हैं एक्चुअल चीट कोड की। अगर आप मोबाइल में डायल करते हो 7000 तो गाइज यहाँ पर जो डे का वेदर था वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद गाइज अगर आप डायल करते हो 7001 तो भाई नाइट हो जाएगी और नाइट व्यू मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आया। पूरी बिल्डिंग्स के अंदर लाइट्स लग रही है और रिफ्लेक्शन भी काफी ज्यादा बढ़िया है। और अगर आपको वापस से दिन करना है तो मोबाइल में आपको डायल करना है 7000 तो वापस से दिन हो जाएगा। उसके बाद गाइज अगर आप मोबाइल में 8521 डायल करते हो तो गाइज आप लॉन्ग जंप ले पाओगे, यानी कि थोड़ी सी लॉन्ग जंप है ये। और अगर आप यहाँ पर 8122 डायल करते हो तो आप मेगा जंप ले पाओगे, यानी कि आपका कैरेक्टर जंप करने पर बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है। और इसको वापस से नॉर्मल करने के लिए आपको 8520 डायल करना, आपकी जो जंप है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगी। अगर आप जंप करोगे तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 8615 डायल करते हो तो आपका कैरेक्टर स्लो मोशन में चला जाएगा। ये इतना भी स्लो मोशन नहीं है, इसका लेवल भी आप बढ़ा सकते हो। तो यही वाला कोड अगर आप 3 बार डालोगे तो भाई सुपर स्लो मोशन में चला जाएगा, आपका कैरेक्टर हिलेगा भी नहीं। ये देखो भाई कितना ज्यादा स्लो मोशन है। अब गाइस इसको वापस से नॉर्मल करने के लिए आपको वापस से यही कोड डालना, यानी कि 8615। आपका जो कैरेक्टर थोड़ा स्लो मोशन में चलेगा, उसके बाद चीट कोड जैसे एक्टिवेट होगा आपका कैरेक्टर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद गाइस अगर आप डायल करते हो 8746 तो गाइस मून ग्रेविटी एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर आपको मून ग्रेविटी को डीएक्टिवेट करना है तो आपको फिर से यही कोड डायल करना है 8746। तो लेफ्ट में आप देखोगे यहां पर मून ग्रेविटी डीएक्टिवेट हो चुकी है। ओके, अब एक लास्ट चीट कोड बच चुका है जो कि इन्फिनिटी हेल्थ का। तो उसके लिए आपको डायल करना है 8986, आपकी इन्फिनिटी हेल्थ हो जाएगी। वैसे इसका नाम इनविजिबिलिटी रखा गया है तो इसका मतलब इन्फिनिटी हेल्थ ही होता है। अब मैं आपको बाइक से गिर के भी दिखा देता हूँ भाई कोई डैमेज होता है या फिर नहीं अपने को। तो यहाँ पर कैरेक्टर अपना जमीन पे गिर चुका, देख सकते हो कोई भी डैमेज नहीं हुआ, तो इन्फिनिटी हेल्थ काम कर रही है। तो गाइज अगर आपको ये वाला गेम पसंद आया तो गाइज आप मिथ एंड ग्लिचेस भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और इस गेम को प्ले स्टोर से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। बाय द वे गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। Bye and love you all.